तो जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्राइडे यानी कि 3 नवंबर 2023 को एक बड़ा गैप अप हुआ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो ये गैप अप था वो ओपन हुआ 43,300 के ऊपर, 43,300-43,350 के आसपास ओपनिंग हुई थी। और जैसा कि आपको थर्सडे नाइट को बता दिया गया था, इससे पहले भी 3-4 दिन से बता रहा था मैं कि भाई 43,300 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, यहां से पार करना थोड़ा मुश्किल आ सकता है। और वैसे ही आप लोगों ने फ्राइडे को देखा कि उस जोन को पार करना कितना मुश्किल हो गया था। अक्सर मैं ये कहता हूं कि जब भी ये बड़े गैप अप्स होते हैं तो वो चेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई चेज करने बैठ भी जाए तो आपको मालूम है कि उसके हाथ कोई ज्यादा खास लगता नहीं है। ये गैप अप और गैप डाउन की कहानी में बायर्स को कुछ बनता हुआ आजकल नहीं दिखता है। खैर, देखते हैं कि फ्राइडे को हमारा जो व्हाट्सएप फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें हम लोगों ने क्या चर्चा की थी और किस तरह से, क्या उस पर कुछ कार्य हुआ होगा तो कुछ बना होगा या नहीं। फ्रेंड्स ग्रुप में दोस्तों 9:18, 9:19 पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए गए थे। दोस्तों ये एकेडमिक लेवल्स थे और इनका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं था। 43,315 के ऊपर ही बाय करना था बैंक निफ्टी को और 43,198 के नीचे सेल। आइए जरा देखते हैं कि क्या 43,315 के ऊपर और 43,198, पहली बात तो आप देख सकते हैं चार्ट पर 43,198 के नीचे तो मार्केट गया ही नहीं। अब बात करते हैं 43,315 के ऊपर की, तो आपके सामने है 43,315 किस तरह से सपोर्ट ले रहा था मार्केट और अपसाइड में यहां से 100 पॉइंट आपको मिला भी है, यानी कि एक बार नहीं लगभग लगभग 2 बार आपको इसमें ट्रेड मिला अपसाइड का। 43,415-16 तक ये जाके आया फ्राइडे को। सो देर वर टू ट्रेड्स, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा लोगों को बना होगा। और लोग जो थे वो सबसे पहले आपको सुबह मॉर्निंग अपडेट में फ्राइडे को बता दिया गया था कि भाई अगर गैप अप होता है तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है, ये बताया गया था, हो सकता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आए। वो शॉर्ट कवरिंग तो नहीं दिखी लेकिन शॉर्ट्स भी नहीं बने फ्राइडे वाले दिन। खैर, देखते हैं कि निफ्टी पर क्या बातचीत हुई थी। निफ्टी पर बातचीत हुई थी 19,252, 19,190। अब जब आप देखेंगे निफ्टी पर लेवल्स जो हमने फ्राइडे के लिए दे रखे थे वो ये थे कि 19,175, 202, 252, यही 3 अपसाइड के लेवल्स थे। उन तीनों लेवल्स के बिल्कुल आसपास, यानी तीसरे लेवल के आसपास, 252 के आसपास ओपनिंग हुई फ्राइडे को, तो वहां से कुछ खास रिवॉर्ड मिलता मुझे नहीं लगता। और वो मार्केट यही कह रही थी कि भाई कोई डिप आएगा तभी देखेंगे, कोई 175 तक का, 19,175 या 19,200 तक का डिप आता तभी देखते। तो इसमें कुछ खास देखने को निफ्टी 50 में फ्राइडे को नहीं मिला है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स तेज थे और कौन से डिक्लाइंस में थे। देखिए, 2 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि मंदे में थे और वो थे इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक। इंडसइंड बैंक तो फ्राइडे को लगभग लगभग पूरा दिन ही रेड में ही रहा, कोटक बैंक कुछ देर जरूर ग्रीन में था। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक दिखा रहे थे तेजी। इनका माहौल था तेजी का फ्राइडे को। अब देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की क्या थी स्थितियां। निफ्टी 50 की स्थितियां ऐसी थी कि 36 स्टॉक्स एडवांसेस में। किसका इम्पैक्ट था? इम्पैक्ट ऑफ गैप अप, नथिंग एल्स, इट वाज द इम्पैक्ट ऑफ गैप अप। 36 स्टॉक्स वर इन एडवांसेस एंड डिक्लाइंस में थे 14 स्टॉक्स। अब या ये कहिए कि गैप अप इन सभी स्टॉक्स में हुआ होगा और वो ही को सस्टेन करते रहे। और सबसे तेज चलने वाले कौन से स्टॉक्स थे? अपोलो हॉस्पिटल्स। मैं अक्सर कहता होता हूं कि जब भी ये फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर अपसाइड की ओर जाता है तो भाई समझ लो कि मार्केट में खतरा बरकरार रहता है। अदानी पोर्ट्स भी आज मतलब फ्राइडे को ठीक ठाक चल रहा था, आइशर मोटर्स तेज था, टाइटन ठीक ठाक चल रहा था, LTIMB अच्छा खासा चल रहा था। वहीं सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में फ्राइडे को थे बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े स्टॉक्स। अब हम बात करेंगे कि मंडे, मंडे को क्या तारीख है? मंडे को है साहब 6 नवंबर 2023। तो क्या हो सकता है मंडे को? पहली बात तो हम चलेंगे बैंक निफ्टी में और हम एक चीज और देखेंगे कि फ्राइडे
फ्राइडे को किस तरह से हमको ट्रेड करने की एक और तरीके से अगर हम करते तो कैसे करते हैं। मैं अक्सर आप लोगों से बताता हूं कि डेमाज एमाज EMAs लगा के अगर आप करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग आज देखते हैं कि एमाज लगाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी के एमाज मैंने लगा लिए हैं। जब भी अक्सर मैं बोलता हूं कि जब भी 9 EMA के ऊपर होती है मार्केट, 20 EMA के ऊपर होती है, तब कभी भी मार्केट में शॉर्ट्स नहीं बनते, तब कभी भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 9 EMA एक बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि मार्केट वहां पे स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे 9 EMA से ऊपर थी, और जब भी कोई 9 EMA को टेस्ट करता तभी हमको वहां से बाइंग मिलती। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 EMA टेस्ट हुआ 12:45 के करीब, वहां से फिर से बाइंग आई, धीरे धीरे वो अपसाइड की ओर लेके जरूर गई है। उसके बाद आपको लगभग 2:30 बजे के करीब एक फॉल मिला, और वो फॉल जब मिला तो कहां पर सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं 20 EMA पर उसने सपोर्ट लिया। कहीं से भी आपने पुट ली होगी, शॉर्ट किया होगा, तो आपको पैसा शायद नहीं बना होगा जिस हिसाब से आप सोच रहे होंगे। तो ये एक तरीका है कि आप डेमास पर एमास पर किस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या है स्थितियां, क्या डेली टाइम फ्रेम पर एमास या डेमास जो है क्या वो कुछ कह रहे हैं, आइए जरा देखते हैं। देखिए वीकनेस अभी भी बरकरार है, अभी भी वीकनेस भली भांति बरकरार है। अब आप देख सकते हैं कि आज ये फ्राइडे को क्लोजिंग जो आपको मिली है वीकेंड पर 43,318 की मिली है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट डेमास के काफी नीचे है। यहां से क्या अपसाइड दिखती है, देखिए दोस्तों 43,500 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक अपसाइड के बारे में कोई ज्यादा आश्वस्त होना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होगा। तो खैर आप बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी पर मंडे को यानी कि 6 नवंबर 2023 को काम करना चाहिए। ये एकेडमिक लेवल्स हैं और इनका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूं जितने भी हम लोगों ने एमाज लगा रखे हैं, और सीधे का सीधा चलते हैं हम लोग अपने लेवल्स की ओर। मंडे को दोस्तों ये याद रखिएगा कि 43,416 फ्राइडे का हाई है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि जब तक हम आप 43,500 के ऊपर ना जाएं, 43,511 के ऊपर ना जाएं, तब तक हम आशावान नहीं होना चाहिए, तब तक हमको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। 43,511 के बाद ही हमको अपसाइड के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर 43,511 के ऊपर चलते हैं, देखिए 43,500, 511 किसी टाइम पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जून 2023 की बात कर रहा हूं, तो 43,511 के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, तब तक हम अपसाइड का नहीं सोचेंगे। 43,511 के बाद जो लेवल आता है वो आता है 43,626 का। 43,626 के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है आपका 43,730, 729। और अगर 43,729, 730 भी टूटता है दोस्तों, मतलब कि ये समझ लीजिए ICICI बैंक और HDFC बैंक अगर दोनों ही साथ दे जाएं, 43,729 तोड़े, तो हमको सीधा सीधे लेवल दिख जाते हैं 43,872, 873 तक के लेवल अपसाइड में दिख जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही जारी रहा और अगर क्रूड ऑयल वीकेंड पर तेज हो गया या मंडे को तेज मिला, तो आपको बैंक निफ्टी दूसरी तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कब होगा, वो होगा अगर 43,221 के नीचे मार्केट चलना स्टार्ट कर दे, 43,221 के नीचे बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो जाएगा। थोड़ा क्या वीक हो जाएगा, ये फ्राइडे का लो है, 43,221 के नीचे अगर जाती है मार्केट तो आपको क्या लेवल्स दिख सकते हैं, तो सीधे सीधे जो आपको लेवल्स 43,221 के नीचे दिखेंगे वो दिखेंगे 43,119, 120 के लेवल्स। 43,120 भी अगर कटेगा तो आपको ये लेवल्स दिख सकते हैं विच इज 42,990, 991 के। और अगर 42,990 भी कट गया तो देन यू माइट बी एबल टू सी समवेयर समवेयर अराउंड हेयर, दैट इज 42,870 के लेवल्स तक के भी दिख सकते हैं। दिस इज
I am talking about academic levels for Bank Nifty. I repeat, 43,511 above, it is a buy level, and 43,221 below, it's the sell level. चलिए निफ्टी 50 भी देख लेते हैं. निफ्टी 50 के इन सबको देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ जो पुराने लेवल्स लगे हुए हैं, और निफ्टी 50 पर देखते हैं कि किस तरह से अप साइड के लिए हम सोचें और कब सोचें डाउन साइड के लिए. तो दोस्तों 19200 के नीचे, बेसिकली 19196 के नीचे अगर आपको निफ्टी 50 मिलता है तो वहां से शॉर्ट एक बार को बन सकते हैं. 19196 के नीचे 19163 तक के लेवल आते हैं, और अगर 19163 ब्रीच होता है तो 19125-126 के लेवल्स भी भली भांति देखने को मिल सकते हैं. और अगर 19126 भी टूट जाए तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों को लेवल मिल सकता है 19100, 19100 का लेवल भी देखने को मिल सकता है. बट दोस्तों आशावान है, और आपको मालूम है कि आजकल निफ्टी कुछ दमखम दिखा तो रही है, चाहे गैप अप के कारण ही सही है. तो चलिए देखते हैं 19275 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी 50 तो हम लोग आएंगे बाइंग में. तो किस लेवल तक के लिए बाइंग में आएंगे, आइए वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. 19275 के ऊपर अगर हम जाना शुरू करते हैं तो हम लोगों के लिए सीधा सीधा लेवल ये खुल जाता है, विच इज 19324, 19324. और अगर 19324 के ऊपर चलते हैं तो आइए जरा वो भी देख लेते हैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उन लेवल्स तक. जी हाँ, 19324, 19324 के ऊपर अगर मार्केट चलना स्टार्ट करती है तो हमारे लेवल्स क्या होते हैं, आइए जरा देखते हैं. 324 अगर हम ब्रीच करते हैं दोस्तों तो हमको एक बार को ये लेवल दिख सकता है, विच इज 19360-362 के आसपास का जो लेवल है वो हमको एक बार को देखने को मिल सकता है. 362, 19362. सो द अपसाइड लेवल्स आर 19275, 19324 एंड 19362 के लेवल्स. एंड नीचे के जो लेवल्स हैं वो आपके सामने है. 19196 के नीचे सेल है, 19163 के लिए, 19126 के लिए और 19103 के लेवल्स के लिए. दोस्तों ये याद रखिएगा, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और जो भी यहाँ पे डिस्कशन होती है किसी भी वीडियो में हमारे चैनल पर, वो सारी की सारी डिस्कशन एकेडमिक ही है और उसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है. दो चीजें और बताना चाहता हूं दोस्तों. एक तो लखनऊ में सेमिनार है 19 नवंबर 2023 को, लखनऊ लेमन ट्री में सेमिनार कर रहे हैं, जो भी आना चाहे खुशी से आ सकता है. इस सेमिनार में इनविटेशन फीस है 4,000 रुपीज. अगर आप आना चाहते हैं तो आप फोन पे, पेटीएम या जी पे कर सकते हैं. नंबर है 7834876736. ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है और डिटेल दी गई है. ज्यादा जानकारी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सेम नंबर पर. उम्मीद यही करता हूं दोस्तों कि कोई भी आप में से ऐसा नहीं होगा जो कर्जा लेकर, लोन लेकर, ब्याज पर पैसे उठाकर, या ये कहिए कि क्रेडिट कार्ड लोन लेकर, पर्सनल लोन लेकर, गोल्ड लोन लेकर, बीवी के गहने गिरवी रखकर, माँ बाप से सच झूठ बोलकर पैसे लेकर बैठा हो और ट्रेडिंग कर रहा हो. ऑप्शंस ट्रेडिंग इज नॉट इजी. ऐसे काम मत कीजिए, आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं. बिकॉज ये ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बल्कि टोटली सोशल हेल्थ पर भी आपको हैजार्डस है. तो इसलिए इसको सीखना जरूरी है. सीख कर कीजिए, कहीं पर भी सीखिए, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास ही सीखिए, कहीं पर भी सीख कर ही करना इसके लिए बेहतर है. सेबी का भी आपको मालूम है, वो भी यही कह रहा है कि मोर देन 90% जो लोग हैं वो दिक्कत में हैं. तो आप थोड़ा देख सोच कर चलिएगा और अपने आप को सेफ रखिए, बेटर रहेंगे. एजुकेशन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग. तो प्लीज लर्न एंड देन वर्क ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड अदर ऑप्शंस ट्रेडिंग थिंग्स. ठीक है, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट वीकेंड. सो गुड लक फॉर मंडे माय डियर फ्रेंड्स. होप यू हैव ऑलरेडी लाइक्ड, शेयर्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल. लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक.